Hello students, welcome to Shraddha English Medium School online classes. Standard 2nd, subject English, chapter 4, at the zoo. जी हाँ students, आज हम इस lesson में zoo के बारे में सीखेंगे, पढ़ेंगे. यहाँ पे आपको at the zoo एक poem दी है. सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि आप सबको पता ही होगा कि zoo means क्या होता है. जी हाँ, Zoo means प्राणी संग्रहालय, जहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है. अलग अलग पक्षी होते हैं, एनिमल्स होते हैं, सभी तरह के एनिमल्स और पक्षी वहाँ पे होते हैं. इंसेक्ट्स भी रखे जाते हैं. एक बड़ी सी एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ये छोटे बड़े सभी एनिमल्स को रखा जाता है. उस प्लेस को कहते हैं जू. उस प्लेस को कहा जाता है जू. तो यहाँ पर आपको इस लेसन में, इस पोयम में एनिमल्स के नेम्स आपको सीखने हैं. सबसे पहले हम हार्ड वर्ड्स देख लेते हैं इस लेसन के. तो फर्स्ट वर्ड है जू, ZOO, जू. फिर सेकंड वर्ड इज व्हाइट, WHITE, व्हाइट. एक कलर का नेम है व्हाइट. फिर है BEAR, बेयर, माने एक एनिमल है बेयर, माने भालू. फिर है CAMEL, कैमल, इज द नेम ऑफ एनिमल. एक एनिमल का नेम है कैमल. फिर हम, HUMP, हम. कैमल के बैक पर, उसकी पीठ पर जो ऐसे खून होती है, ऐसे वाले ऐसे शेप में जो उसकी पीठ पर होती है, तो उसे उसे कहते हैं हम. इसको कहते हैं हम, माने खून. फिर है माओ, MAW, माओ. एनिमल के माउथ को कहते हैं माओ. एनिमल के नेम को कहा जाता है माओ. मटन, मटन माने मीट, मांस. MUTTON, MUTTON, मटन. फिर है वॉम्बैट, WOMBAT, एक स्मॉल बियर का नेम है. एक छोटा सा स्मॉल ऐसा बियर, व्हाइट बियर होता है, छोटा एनिमल, तो उसे कहते हैं वॉम्बैट, WOMBAT, वॉम्बैट. देन वेडल या वडल, WADDLE, वडल या फिर वेडल मीन्स धीरे धीरे चलता हुआ, धीरे धीरे चलना, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे चलना. फिर है स्ट्रॉ, STRAW, स्ट्रॉ. स्ट्रॉ माने सूखे घास की सलिया, सूखे घास की सलिया स्ट्रॉ. MERCY, मेरसी माने गंध, बैड स्मेल, जैसे स्मेल, जैसे कि एनिमल के बॉडी में से ये स्मेल आती है, तो मेरसी उसे कहते हैं, मेरसी. अनप्लेजेंटली, UNPLEASANTLY, अनप्लेजेंटली, जो हमें अच्छी ना लगे वैसे, जो हमें पसंद ना आए ऐसे. स्टूडेंट्स, ये थे हार्ड वर्ड्स. नाउ वी विल रिसाइट दिस पोयम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिसाइट दिस पोयम. आपको मैं ये पोयम रिसाइट करवा रही हूँ, तो ध्यान से इसको सुनिए और फिर आपको भी रीड करना है. तो फर्स्ट इज, फर्स्ट आई सो द व्हाइट बियर, देन आई सो द ब्लैक. वन मोर टाइम वी विल रीड. फर्स्ट आई सो द व्हाइट बियर, देन आई सो द ब्लैक. नेक्स्ट लाइन इज, देन आई सो द कैमल विथ अ हम्प अपॉन हिज बैक. देन आई सो द कैमल विथ अ हम्प अपॉन हिज बैक. Then I saw the grey wolf with mutton in his maw. Then I saw the grey wolf with mutton in his maw. Then I saw the wombat rattle in the straw. Then I saw the wombat rattle in the straw. Then I saw the elephant a very puffy trunk. Then I saw the elephant a wearing of his trunk. Then I saw the monkeys. Mercy, how unpleasant.
presently they smelt. Then I saw the monkeys. Mercy, how unpleasantly they smelt. तो इस poem को अब हम explain कर रहे हैं. इस poem की जो writer है, poet है, वो है William Makepeace Thackeray. William Makepeace Thackeray. अब now yellow box देखे तो unscramble the letters given below to find the national animal of India. हमारा इंडिया का नेशनल एनिमल एनिमल कौन सा एनिमल है? किस एनिमल को हमारे नेशनल इंडिया में हमारा राष्ट्रीय प्राणी कहा जाता है? तो वो है टाइगर. यहाँ टाइगर का जो नेम है वो अनस्क्रैम्बल करना है, मीन्स उसको प्रॉपरली अरेंज करना है, एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है और फिर यहाँ उसका नेम लिखना है, तो वो आएगा टाइगर. अब पोयम में देखते हैं तो फर्स्ट आई सो द व्हाइट डियर, देन आई सो द ब्लैक. सबसे पहले मैंने व्हाइट बियर देखा, मीन सफेद भालू देखा. फिर मैंने ब्लैक देखा, फिर मैंने ब्लैक देखा, मीन्स फिर मैंने काला भालू देखा. देन आई सो द कैमल विद अ हम्प अपॉन हिज बैक. फिर मैंने एक कैमल देखा जिसके पीठ के ऊपर एक हम्प थी, मीन्स कुंद थी. देन आई सो द ग्रे बुल विद मटन इन हिज माउथ. फिर मैंने एक ग्रे कलर का मुल्क देखा जिसके माउथ में मांस था, मीन्स मीट था, मटन था. जिसके माउथ में मांस का टुकड़ा था, मटन था, ये है. देन आई सो द वॉम्बेट वेडर इन द स्ट्रो. फिर मैंने एक वॉम्बेट देखा, मीन्स छोटा सा व्हाइट बियर. ऐसा छोटा सा व्हाइट बियर देखा जो स्ट्रो पे घास की सूखी सलियों पे चल रहा था. Then I saw the elephant wearing of his trunk. फिर मैंने एक elephant देखा जो अपनी सूंड को इधर उधर हिला रहा था, wearing कर रहा था. Then I saw the monkeys. Mercy, how unpleasantly they smelled. फिर मैंने कुछ बगरों को देखा ऐसे गंध मारते हुए, means उसके बॉडी में से बहुत ही अनप्लेजेंटली, बहुत ही बुरी गंध आ रही थी, अनप्लेजेंटली स्मेल आ रही थी. तो स्टूडेंट ये थी आपकी पोयम जिसको आपको भी रिसाइट करना है, फिर इसको लर्न भी करना है. अब हम इसके राइमिंग वर्ड्स को देखते हैं. फिर फर्स्ट राइमिंग वर्ड है हम. हम का राइमिंग वर्ड होता है बम. हम बम. फिर है स्ट्रो. स्ट्रो का राइमिंग वर्ड होता है ड्रो. स्ट्रो ड्रो. फिर यहाँ पे हमें ग्लोसरी दिए है, तो ग्लोसरी में फर्स्ट वर्ड है माउथ, मीन्स माउथ को बाय एनिमल. जो जंगली प्राणी होते हैं उसके माउथ, उस एनिमल के माउथ को कहते हैं माउथ. वॉम्बैट ब्यूरोइंग प्लांट ईटिंग ऑस्ट्रेलियन एनिमल विच रिसेम्बल्स अ स्मॉल बियर. ऐसा कहा है वॉम्बैट मीन्स ब्यूरोइंग प्लांट ईटिंग, मीन्स जो घास खाता है, जो मीट नहीं खाता है, सिर्फ घास खाता है, ऐसा एक ऑस्ट्रेलियन छोटा सा बियर है जिसको वॉम्बैट कहा जाता है. वेडर टू वॉक्स गर्ली इन अ स्वेंट मैनर. ऐसी गुड मैनर में जिसको हम कह सकते हैं, ऐसी स्वेंट मैनर्स में स्लोली धीरे धीरे चलना. फिर अनप्लेजेंटली नॉट गुड मीन्स हमें जो अच्छी ना लगे वैसी स्मेल. तो स्टूडेंट्स फिर से एक बार इस पोयम को रिसाइट करते हैं. फर्स्ट आई सो द व्हाइट बियर. सबसे पहले मैंने व्हाइट बियर देखा. देन आई सो द ब्लैक. फिर मैंने काला बियर देखा, मीन्स काला भालू देखा. देन आई सो द कैमल विद अ हम्प अपॉन हिज बैक. फिर मैंने एक कैमल देखा जिसकी पीठ पे एक हम्प था, कुंद थी. देन आई सो
Then I saw the wombat vendor in the store. फिर मैंने एक वॉम्बेट को वेटल करते हुए घास के ऊपर वेटल करते हुए देखा। धीरे धीरे ऐसे मैनर्स में स्लोली चलते हुए देखा। Then I saw the elephant away of his trunk. फिर मैंने एक एलिफेंट देखा जो अपने ट्रंक को अपने सूंड को इधर उधर वैटिंग कर रहा था, हिला रहा था। Then I saw the monkeys Mercy, how unpleasantly they smelled. फिर मैंने कुछ बंदर देखे जो बहुत ही गंध मार रहे थे और how pleasantly they smelled, वो कितनी बदबू उसके बॉडी में से आ रही थी। तो ये थी पोयम चैप्टर 4 एट द ज़ू की पोयम, जिसको आपको भी अच्छी तरह से रीड करनी है, लर्न भी करनी है। तो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब